ऑल इंडिया लेटेस्ट जॉब अलर्ट फ्री और हिंदी में पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए इस बेल आइकन पर। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश सिंह, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑल इन वन ओपी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस में निकली हुई भर्ती के बारे में। तो आपको ये वाला जो सेकंड नोटिस दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यूपी पुलिस में जेल वार्डर के पोस्ट पे भर्ती है। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं और इस भर्ती के बारे में दोस्तों पूरी जानकारी लेते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2018 और यहाँ पे पोस्ट नेम जो है वो जेल वार्डर है और ये भर्ती अभी आई नहीं है, आने वाली है। तो इसका नोटिस दोस्तों ऑफिशियल नोटिस आ गया यूपी पुलिस की तरफ से, तो वो नोटिस मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 3638 पोस्ट पे वैकेंसी है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक हियर फॉर अदर डिटेल पे क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे नीचे आएंगे और इसमें आपको दोस्तों 3012 यहाँ पे जेल वार्डर का पोस्ट पे मेल में भर्ती है और फीमेल की यहाँ पे 626 पोस्ट पे भर्ती है। तो यहाँ पे मेल फीमेल मतलब दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कैटेगरी वाइज पोस्ट को भी डिवाइड कर दिया गया है कि मेल में जनरल कैटेगरी में कितने पोस्ट है, ओबीसी एससी एसटी इनके लिए कितने पोस्ट है और फीमेल के लिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, आपको अप्लाई करने के लिए आपको 12 पास अगर है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे 12 पास। और एज लिमिट भी यहाँ पे बता दिया गया है कि 18 साल से 22 साल। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हमको यहाँ पे चेस्ट हाइट वगैरह भी बता दिया गया है कि आपके पास क्या हाइट होना चाहिए, क्या चेस्ट होना चाहिए, क्या वेट होना चाहिए। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जेल वार्डर मेल के लिए यहाँ पे 168 सेंटीमीटर चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी ओबी और एससी से बिलोंग करते हैं तो, और एसटी है तो आप 160 सेंटीमीटर पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं मेल। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे फीमेल का भी दिया है 152 सेंटीमीटर ओबीसी जनरल और एससी के लिए और यहाँ पे एसटी के लिए यहाँ पे 147 सेंटीमीटर। और यहाँ पे चेस्ट भी बता दिया गया है कि अगर आप जनरल ओबीसी और एससी है तो आपका 79 सेंटीमीटर से 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और एसटी के लिए यहाँ पे 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं दोस्तों वेट की, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मेल के लिए तो कोई वेट नहीं दिया है लेकिन फीमेल के यहाँ पे 40 केजी मिनिमम वेट यहाँ पे बता दिया गया है। तो आते हैं हम नीचे और यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन फीस जो है यहाँ पे बता दिया गया 400 रुपए लिए जाएंगे। और यहाँ पे फीस जो है ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं और ऑफलाइन चालान से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन तो अभी डेट स्टार्ट हुआ नहीं है लेकिन आपको इसका मैं ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए नोटिस का लिंक है, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, इस वेबसाइट पे आप आके नोटिस को पढ़ सकते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों उनकी तरफ से ऑफिशियल नोटिस है, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे भी आपको वही सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये भर्ती निकाली है। तो यहाँ देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे भी आपको सारे पोस्ट को बांट करके यहाँ पे बताया गया है कि किस कैटेगरी के लिए क्या पोस्ट है, महिला के लिए और पुरुष के लिए दोनों, जो मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे आपको दोस्तों परीक्षा शुल्क में छूट भी मिलेगा, तो उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। तो बस दोस्तों यही था छोटा सा वीडियो। तो यहाँ पे भी आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताया, 12 पास है तो आप इसके लिए इजिली अप्लाई कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही था एक छोटा सा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक तो करिएगा ही, और इस चैनल पे मैं हमेशा ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ जो कि जॉब रिलेटेड होते हैं और आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता हूँ। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिस मिलेगी और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।